नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पाव ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत है। तो कई दिनों के उथल पुथल के बाद, उठापटक के बाद कुछ अच्छी शुरुआत आज हम देख रहे हैं मिड वीक सेशन की होती दिखाई दे रही है। 17200 के ऊपर इस समय एसजीएक्स निफ्टी है। 100 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सुस्ती है, लेकिन इतनी भी नहीं। 30-32 अंकों की कमजोरी फिलहाल वहां पर दिख रही थी। इनफैक्ट अब वो भी रिड्यूस होती दिखी है, महज 25 अंकों की कमजोरी है। और नैसडैक फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट है। वहीं बाकी एशियन मार्केट्स पर अगर नजर डाली जाए तो हम देख रहे हैं कि यहां पर भी जो पिछले कुछ दिनों की भारी भरकम गिरावट थी वो फिजल आउट होती हुई दिखाई दी है। निके 77 अंक ऊपर है और बाकी जितने भी बैंक, जितने भी यहाँ पर मार्केट्स खुले हैं वो 1-2% की स्ट्रेंथ को लेकर ही खुलते नजर आए हैं। उठापटक हमने कमोडिटी स्पेस में देखी है। सोना अपने ऊपरी स्तर से $10 झटक चुका है और कच्चे तेल की बात करें तो ये इस साल के निचले स्तर पर कर रही है कारोबार। डॉलर इंडेक्स है फ्लैट और महीने भर के निचले स्तर के करीब ही हम इसे घूमता हुआ देख रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, ये जो कमबैक दिखा है उसके पीछे कारण क्या है, सब पर बात करेंगे मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, बताइए ये जो कमबैक दिखा है कितना भरोसेमंद है? क्या किसी ट्रिगर की वजह से आया है या इसको मन किया और वापस आ गया? कोई ट्रिगर नहीं था नेहा, बस एक मन किया बाजार को कि इतनी बुरी खबरें हैं, 5 दिनों से आप गिर रहे हैं तो चलो उड़ जाते हैं, चलो थोड़ा सा रिबाउंड आ जाते हैं। तो ट्रिगर अगर आप पूछेंगे तो स्पेसिफिक ट्रिगर नहीं था इस रीबाउंड के लिए। कोई खबर पूछेंगे तो कोई ऐसी अच्छी खबर नहीं आई जिसके वजह से रीबाउंड हुआ, बट हाँ, क्योंकि इतने दिनों से नेगेटिव खबरों पर बाजार रिएक्ट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं बाजार मान रहा है कि वर्स्ट ऑफ इट मे बी प्राइस्ड इन। अब पता नहीं, आगे देखते हैं इसका क्या होगा, बट हाँ, कल एक अच्छा रीबाउंड आया और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज सुबह भी ग्लोबल बाजारों का मूड काफी सुधरते हुए दिख रहा है। इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है चीन की तरफ से कुछ ही देर में, उनके रिटेल बिक्री और इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा आने वाला है तो उस पर हमारी नजर रहेगी। अमेरिका में 5 दिन की गिरावट के बाद कल एक अच्छा रिबाउंड आया, करीब 350 अंकों की आपने उछाल बनते हुए देखा। डाउ पर 500 अंकों की रेंज में कारोबार रहा और आखिरी घंटे में बढ़िया रिकवरी थी जिसकी वजह से आपने देखा कि बाजार पॉजिटिव बंद होते हुए दिखे। नैसडैक में लगातार दूसरे दिन आपको पॉजिटिव एक्शन दिखा और कल तो बढ़िया लीडरशिप दिखी आईटी की तरफ से, 2% से ज़्यादा का उछाल आया। रसल 2000 में आपने करीब 2% का उछाल देखा, S&P 500 भी 1.5% ऊपर था, तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली आई थी जहाँ पर सभी 11 सेक्टर्स में आपने खरीदारी का एक्शन बनते हुए देखा। बैंकिंग इंडेक्स में ऑफकोर्स रिबाउंड था, 2.25% आपको बैंकिंग इंडेक्स कल ऊपर जाते हुए दिखा। और ये जो सारे छोटे शेयर्स हैं ये 1 पॉइंट पर तो 50-60% भी ऊपर थे, एंड ऑफ ट्रेड में 20-30% के उछाल के साथ आपको बंद होते दिखे, तो एक बढ़िया रिबाउंड आया और उसी स्पेस ने रिबाउंड को लीड करा जहां पर सबसे ज्यादा पिटाई हो रही थी, वो है आपके बैंक्स। अब बैंक्स की अगर आप बात करें तो कोई अच्छी खबर तो नहीं आई, इनफैक्ट कल खराब खबरों को बैंक्स ने नकारा है और वो भी कैसे, मूडीज की तरफ से एंटायर अमेरिकन बैंकिंग सेक्टर यानी कि सभी बैंक्स पर आउटलुक उन्होंने स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया है। ये खबर आपको आती हुई दिखी, कह रहे हैं कि इस समय का जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है वो बैंक्स के लिए काफ़ी कमज़ोर है और उसका इम्पैक्ट है इस जिसकी वजह से इन्होंने आउटलुक को स्टेबल से घटाकर नेगेटिव किया है। अब वैसे तो ये कोई अच्छी खबर है नहीं, बट यूजली बाजार में माना जाता है कि रेटिंग एजेंसीज बॉटम पर ही अपना एक्शन देती हैं, तो जितना भी गिरावट होनी थी, जितना भी बाजार ने एडजस्ट करना था वो कर लिया है और अब जो रेटिंग एक्शन आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से सिचुएशन और ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब होगी या नहीं होगी पता नहीं, बट कल डेफिनेटली आपने इस खबर के बाद देखा इनफैक्ट बैंक्स ऊपर ही बंद हुए। बॉन्ड यील्ड में भी एक्शन रहा, 3 दिनों की भारी गिरावट के बाद कल बॉन्ड यील्ड में रिबाउंड आया, 1/4% का रिबाउंड आपने 2 साल की यील्ड पर देखा, 4.3% पर आ गई है। 10 साल की यील्ड भी करीब 3.7% के पास आपको आती हुई दिखी, तो कल बॉन्ड मार्केट में भी एक रिबाउंड का एक्शन था। और साथ ही कल इनके इन्फ्लेशन के डेटा भी आए हैं, 6% फरवरी में महंगाई रही है, एकदम अनुमान मुताबिक रही, लगातार 7वें महीने आपने गिरावट का ट्रेंड देखा है, वहां से तो कुछ सरप्राइज नहीं था, बट कोर महंगाई 5.5% पर आई है जो अनुमान से ज्यादा है और अभी भी काफी स्टिकी है। तो अब देखना पड़ेगा कि फेड क्या करता है, क्योंकि एक तरफ जो बात चल रही है कि बैंक्स को संभालने के लिए फेड शायद रेट्स नहीं बढ़ाए, दूसरी तरफ 80% जानकार मान रहे हैं कि 1/4% की तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी ही, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा अभी भी काफी ऊपर है और कोर इन्फ्लेशन
अभी भी अनुमान से ज्यादा आपको आते हुए दिख रहा है। तो अगेन इंटरेस्टिंग रहेगा, 80% जानकार मान रहे हैं 1/4% की दरें बढ़ेंगी। यूरोप में 1-2% की तेजी थी। कमोडिटी बाजार में भी हमने कल एक्शन देखा, डॉलर इंडेक्स फिलहाल एक महीने के निचले स्तर पर सपाट ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल इस साल के निचले स्तर पर लॉक किया है, $78 पर आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। मांग में चिंता के असर आ रहे हैं, अमेरिका में भंडार बढ़ने के असर से भी यहां पर दबाव बन रहा है। सोने में भी कल ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली आपने देखी है, एग्री और बेस मेटल्स भी सुस्ती थे। तो ओवरऑल एक अच्छा रिबाउंड आया है बाजार में, नेगेटिव खबरों को नकारा है। अब देखना पड़ेगा कि अगर ये तेजी जो आई है या एक रिबाउंड आया है ये सस्टेन करता है या नहीं। इंटरेस्टिंग रिएक्शन हमने अमेरिकी बाजारों में देखा, अब यही देखने वाली बात होगी कि हमारे मार्केट्स इस पर आज किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो एक बार फिर से हमने यही देखा कि घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उनकी तरफ से तो खरीदारी जारी है, उन्होंने मोर्चा संभाल के रखा है, 2122 करोड़ की खरीद का फिगर निकला है। लेकिन बिकवाली तो FIIs की तरफ से देखने को मिली है। कैश स्पेस पर नजर डालें तो 3000 करोड़ से अधिक का वो बिकवाली का फिगर निकला है। FNO स्पेस के नंबर्स हैं, वहां पर भी कुछ खरीदारी ही देखने को मिली है। तो अब जैसे मौजूदा ग्लोबल संकेत है और जिस तरह से खासतौर से कल अमेरिकी मार्केट्स ने रिएक्ट किया है, इन सब के मद्देनजर आपको क्या रणनीति अपनानी है, सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, कल जो कुछ हुआ अमेरिकी मार्केट में और हमारा कल जिस तरह का प्रदर्शन था, आज जैसे संकेत हैं, एशियन मार्केट्स भी अच्छे ही हैं, तो क्या लगता है सर, कुछ सुधार की उम्मीद हमें भी करनी चाहिए? आज कैसे प्ले करना है मार्केट को? गुड मॉर्निंग नेहा, डेफिनेटली 4 दिनों से लगातार तेजी से गिरने के बाद आज जो थोड़े बेहतर संकेत हमें अमेरिकी बाजार से मिल रहे हैं वो थोड़ी रिकवरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि इस रिकवरी में थोड़ा उतार चढ़ाव दिन के दौरान रहेगा, क्योंकि काफी फंसे हुए ट्रेडर्स है जो उछाल में अपनी पोजीशन हल्की करने की कोशिश भी करेंगे। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी तो थोड़ी तेजी की पोजीशन कम होगी होगी, दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे। तो आज थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में बदलाव करके हल्का गिरावट पे खरीदारी करने का आप मन बना सकते हैं। और अगर पहले उछाल के बाद वापस बाजार जब एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिखाकर नीचे आते हैं तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करने की राय बनती है। जहां तक लेवल्स का सवाल है, जो सपोर्ट लेवल है वो कल के लोज के आसपास है, 16,850 से 16,950 की रेंज सेफली अच्छे सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। वैसे जो कल का सपोर्ट रेंज था 16,950 17,025, वो रेंज भी काफी अच्छी है खरीदारी करने के लिहाज से। तो खरीदारी करने के लिहाज से 17,000 या इसके नीचे के लेवल पर फोकस करें। ऊपरी स्तरों पर 17,225 17,325 ये रेंज जहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी की इस रिकवरी में हो सकती है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, निचले स्तरों पर 38,950 और 39,125 ये वो रेंज है जहाँ पर बैंक निफ्टी पहला सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और अगर कल के लोज के आसपास बैंक निफ्टी वापस आपको मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी करने का मौका आपके लिए बन सकता है। ऊपरी स्तरों पर पहले हल्का फुल्का रुकावट का टारगेट बनता है 39,750 39,900 के आसपास का है यहाँ तक जाने की कोशिश। और इनफैक्ट एक बार 40,000 को पार किया तो फिर बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी और ऊपर की तरफ बन सकती है। तो इन लेवल्स पर नजर रखें और थोड़ी आज रिकवरी के लिए मामला बन सकता है, लेकिन सावधानी से कम क्वांटिटी के साथ वॉलिटिलिटी को ध्यान में रखकर ट्रेड करना ठीक रहेगा। वैलिड पॉइंट्स है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज किस तरह से इस पूरे मार्केट्स को प्ले करना है। तो रिकवरी के संकेत तो डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, निफ्टी पर फोकस करेंगे 16,850। सर ने कहा कि 850 से 950 ये एक बैंड है जहां पर आपको सहारा मिल सकता है, और जो रुकावट वाली रेंज है वो 17,225 से 325 दिखेगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी पर जब आप फोकस करेंगे तो ध्यान रखिएगा 38,950 और 39,125 ये आज सपोर्ट बैंड का काम करेगी बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपर रुकावट झेल सकता है ये इंडेक्स 39,900 के पास। तो ब्रॉडर मार्केट्स में कैसा मूड मिजाज रहेगा ये हमने जान लिया, लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, बताने के लिए आशीष हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। आशीष मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहां है एक्शन? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए सबसे पहले मिश्र धातु निगम, यहाँ पर बोर्ड की बैठक है जहां पर अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा स्पोर्ट किंग इंडिया, यहाँ पर बायबैक शुरू हो रहा है, बायबैक खुल रहा है टेंडर रूट के माध्यम से, 950 के भाव पर कंपनी बायबैक करिए। बजाज ऑटो को भी रडार पर रखें क्योंकि बजाज पल्सर NS160 आज लॉन्च होगी, और साथ में ग्लोबल मार्केट्स पर भी नजर रखेंगे क्योंकि US में PPI और रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे। प्राइमरी मार्केट से भी कुछ अपडेट्स हैं मेरे पास,
ग्लोबल सर्फेसेस यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आईपीओ है पूरा बढ़ गया है दूसरे दिन करीब 1.1 टाइम सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिला है रिटेल कैटेगरी में और एनआई में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। मारुति ये स्टॉक ऐसा है जो आपको खबरों के लिहाज से रडार पर रखना है क्योंकि पेरेंट सुजुकी मोटर्स ने कंपनी में करीब 3.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है और अब जो कंपनी में हिस्सेदारी है वो 56.37 से बढ़कर 56.48% हो गई है। सिप्ला पर भी नज़र रखिएगा क्योंकि इनकी जो यूरोपियन सब्सिडरी है इसने कंपनी है CQCIL इसमें 51.18% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है करीब 205 से 246 करोड़ के आसपास में जो है यहाँ पर ये सौदा किया जाएगा। पीएनसी इंफ्रा पर भी नज़र रखेगा कंपनी को 1260 करोड़ के 6 लेन रोड प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित किया है तो ये स्टॉक रडार पर रहेगा। रेलटेल को भी ऑर्डर मिला है CDAC से करीब 288 करोड़ का जो है वर्क ऑर्डर मिला है यहाँ पर इन्होंने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के लिए इन्हें करीब 288 करोड़ का ऑर्डर मिला है। NBCC को भी रडार पर रखे क्योंकि इस कंपनी को भी ऑर्डर मिला है इन्हें जो है पुडुचेरी सरकार से 500 करोड़ का ऑर्डर मिला है इसके चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा। साथ में DFM फूड्स क्योंकि यहाँ पर डीलिस्टिंग था तो BSE और NSE दोनों से जो है कंपनी को डीलिस्टिंग के लिए मंजूरी मिल गई है और 5 अप्रैल से कंपनी BSE और NSE से डीलिस्ट हो जाएगी तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। और अंत में कार्ट्रेड टेक यहाँ पर भी देखिए कुछ खबरें आ रही थी कि कंपनी के अंदर जो कार वाले हैं इसमें कंपनी का निवेश है हालांकि कंपनी ने सफाई देकर SVB के ठप होने के बाद जो खबरें आ रही थी कि SVB का निवेश है इस पर कंपनी ने सफाई देकर यह कहा है कि उनकी जो हिस्सेदारी है 2010 के बाद से SVB का नाम कंपनी के शेयर होल्डर्स में नहीं है तो इस स्टॉक को भी रडार पर रखें। चलिए तो ये वो खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन और आपको मिलेगा कमाई का भरपूर मौका। आशीष थैंक यू वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहां से आ रही हैं। पहले तो शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। M&M फाइनेंशियल खरीद के चलने की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस लगाइए 234 का, टारगेट होगा 258 का। अनराठी सिक्योरिटीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीद के चलने की सलाह यहां निकल कर आ रही है। खरीदारी की इस रणनीति में 755 का स्टॉप लॉस लगाइए, लक्ष्य होगा 790 का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंट्रम ब्रोकिंग, SRF खरीद के चलने की सलाह है। 2278 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2300 का लक्ष्य आपको इस रणनीति में मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या सलाह बन के आ रही है। बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में ब्रॉडर मार्केट्स में आपको क्या करना है और चुनिंदा स्टॉक्स में कहां एक्शन दिख सकता है, सब पर बात करने के लिए ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। हिमांशु जी मॉर्निंग। लगातार 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में जो हमने कोहराम देखा मार्केट में, बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट्स टूटे हैं। आज क्या खरीदारी वाला दिन हो सकता है जैसे संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से? गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शॉर्ट टर्म में हमारा जो ट्रेंड है, जो सेटअप है वो वीक है और बाजार क्लियर कट एक सेल ऑन राइज बाजार है। हमने देखा कि कल इंट्राडे बाउंस में भी किस तरह से एकदम सेल ऑफ देखने को मिला और पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जब भी कोई ग्लोबल की ऊपर हम तेजी से ओपनिंग करते हैं बाजार की, वो तेजी टिक नहीं पाती। तो मुझे लगता है आज के गैप अप पर भी फिलहाल बहुत जल्दी रिलाई करना एक समझदारी का ट्रेड नहीं होगा। आइडली हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट टेस्ट किया है कल 16,980, ब्रॉडली 17,000 का। तो मेरा मानना है कि एक बड़ी गिरावट के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन या एक ट्रेडिंग जोन उभर कर आ सकती है। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी रहेगी कि क्या बाजार ने बॉटम बना लिया या एक इमीडिएट खरीदारी करे। फिलहाल एक ट्रेडिंग जोन मुझे लगता है आज के लिए बनती हुई नजर आ सकती है जहां पर ऊपरी रेंज पर मुनाफा वसूल भी कर सकते हैं और फ्रेश शॉर्ट भी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि निफ्टी स्पॉट में 17,150, 17,180 पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन है जहां पर मुझे लगता है कि एग्रेसिव ट्रेडर्स शॉर्ट करके चल सकते हैं 17,230 या 17,250 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और लोअर एंड पर 17,000 की तरफ वापस से मुझे लगता है कि बाजार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। तो ब्रॉडली 17,000-17,200 की जोन मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ आज और इस वीकली एक्सपायरी के लिए। अभी भी रिस्क मुझे लगता है कि डाउनसाइड के लिए खुला है और 16,800-16,700 की तरफ हम आने वाले दिनों में जाने का पोटेंशियल रखते हैं। वहीं पर निफ्टी बैंक की अगर नेहा जी बात करूं तो वहां पर भी स्पॉट में 39,650 पहला पड़ाव है, पहली रेजिस्टेंस सप्लाई जोन है, पहली बाधा है जहां पर ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वहां पर बुल्स उसके ऊपर स्ट्रेंथ दिखा पाते हैं या नहीं। एग्रेसिव ट्रेडर्स वहां शॉर्ट कर सकते हैं 39,800 के स्टॉप लॉस के साथ और लोअर एंड पर 39,300-39,200 तक इंट्राडे में डिप देखने को मिल सकता है। क्या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हिमांशु जी कहां नजर आ रहा है? कल दिग्गज HDFC लिमिटेड में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था तो मुझे लगता है कि वहां पर एक वीकनेस आज के सेशन में बनती हुई नजर आ सकती है। कुछ उछाल अगर मिलता है स्टॉक में तो वहां पर बेच के चलेंगे 2580-2585 के स्टॉप लॉस के साथ।
लोअर एंड पर 2520 से 2500 रुपए तक के टारगेट एचडीएफसी लिमिटेड में आज देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट हिमांशु जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी स्पेस में कहां कहां है आज कमाई के मौके। आप देख रहे हैं पाव ब्रेकफास्ट और अब कमोडिटी बाजार की रणनीति आपके सामने रखते हैं और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी गुड मॉर्निंग, सबसे पहले सोने चांदी पर फोकस कर लेते हैं। चलिए मनोज जी तो हमारे साथ नहीं है लेकिन उनकी रणनीति हम तक पहुंच गई है, वो आपके सामने रख देते हैं। सोना अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट सेल करके चले 57,550 के पास, टारगेट 57,200 का डाउनसाइड में दिखेगा। कच्चा तेल लेकिन खरीद के चलने की रिकमेंडेशन है, 5,950 के पास एंट्री करें, टारगेट 6,080 का मिल जाएगा। और जहां तक जिंक का सवाल है, इसे सेल करके चलने की सलाह निकल कर आ रही है। एलएमई पर भी हमने इसमें कल नेगेटिव ट्रेड ही देखा था, 262 के पास आज एमसीएक्स पर सेल करके चले, नीचे आपको डाउनसाइड टारगेट इसमें 258 का मिल जाएगा। सिलिकॉन वैली बैंक का दिवालिया होना भारतीय स्टार्टअप्स को कुछ परेशान कर रहा है। हालांकि उनका पैसा डूबा नहीं है मगर वो अभी इस पैसे को निकाल नहीं पा रहे हैं। इस मामले पर आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से खास बातचीत में कहा कि अब भारतीय स्टार्टअप्स को भारतीय बैंकों पर भरोसा करना चाहिए। आप भी सुनिए इस इंटरव्यू को। सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ सर, इस बैठक में क्या कुछ डिस्कशन हुआ, किन मुद्दों पर बातचीत हुई? ये सिलिकॉन वैली बैंक का जो इम्प्लोजन हुआ है, एक तरह से यूएस बैंकिंग सिस्टम के वल्नरेबिलिटी को दिखाते हुए हमारे स्टार्टअप के दुनिया में, हमारे स्टार्टअप पर उसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था और पड़ा है। तो आज इन स्टार्टअप्स और फंड्स के साथ मिलकर मेरा ये एक ऑब्जेक्टिव था कि उनसे सुने कि वो आज के इस कल जो यूएस गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद उनके मन में क्या डाउट्स हैं, क्या कंसर्न्स हैं, क्या वरीज हैं और वो सरकार से, भारत सरकार से क्या चाहते हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारे दो मकसद हैं, एक तो हमारे स्टार्टअप्स को इस क्राइसिस के द्वारा कोई चोट ना पहुंचे, कोई इम्पेडिमेंट या कोई सेटबैक ना पहुंचे, और दूसरे मैं ये भी कहना चाहता था उनसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले दिनों में, आगे आने वाले दिनों में भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर करें, क्योंकि बड़ा क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि भारत का बैंकिंग सिस्टम पिछले 8 साल से जो नरेंद्र मोदी जी ने उसको एक तरह से रीबिल्ड किया है, बहुत ही आज स्ट्रॉन्ग है और कोई ज़रूरत नहीं है हमारे स्टार्टअप्स को कि बाहर के बैंक्स के में डिपॉजिट डालें। तो मैंने ये भी एक पॉइंट किया कि हम कैसे हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को उनसे जोड़ सकते हैं। तो भारतीय स्टार्टअप्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है ये भरोसा दिलाते हुए आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ आपने देखा जी बिजनेस पे। आइए इसी के साथ पाव ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।